दोस्तों, आज हम विश्व के सबसे बड़े दानवीर रतन टाटा के अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन रतन टाटा ने कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने टाटा ग्रुप को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। उन्होंने भारत में कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला। रतन टाटा चाहे तो इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, लेकिन वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ट्रस्ट्स और गरीबों में दान कर देते हैं। वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो आइए जानते हैं उनके विचारों के बारे में। उस दिन जिस दिन मैं उड़ने के योग्य न रहूंगा, वह दिन मेरे लिए सबसे मायूस दिन होगा। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसीलिए जीवन का मजा लीजिए और इसे गंभीर मत बनाइए। मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता हूं, वो है और अधिक आउटगोइंग होना। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ साथ चलिए। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। मैं कभी भी सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। व्यक्ति को अपनी योग्यता और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अवसर एवं चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। मैं भारत के भविष्य और इसकी क्षमता को लेकर काफी हूँ। यह बहुत महान देश है, इसमें बहुत क्षमता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा होनी चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सब के पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। वह व्यक्ति जो दूसरों की नकल करता है कुछ समय के लिए तो सफल हो सकता है, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। अगर कोई भी कार्य जनसाधारण के मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसे जरूर करें, लेकिन अगर नहीं उतरता है तो बिल्कुल ना करें। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वस्त रहा हूँ। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कहता हूँ कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के बारे में बेझिझक आगे आए। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की जंग
इसे नष्ट कर देती है। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन खुद की मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है।